हाय एवरीवन, वेलकम टू शिबूस किचन। हमारे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे मूली की बढ़िया सी भुजिया। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्तों को अच्छे से कट कर लिया है, साथ ही काट ली है मूली। तो दोनों चीजों को काट लेने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ तो मीडियम साइज के आलू। अब इन सभी चीजों को अच्छे से धो लेंगे। सबसे पहले डाला है मैंने आलूओं को, उसके बाद मैंने डाले हैं मूली के पत्ते और मूली। इनको सबको डाल लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी सिर्फ एक ग्लास पानी, क्योंकि मूली के पत्ते हैं ना, वो भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो पानी डालने के बाद अब इसका ढक्कन बंद करके प्रेशर कुकर में आने देंगे दो सीटियाँ। दो सीटी में दोनों चीज़ें अच्छे से उबल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे आलू भी उबल चुके हैं और हमारे पत्ते भी अच्छे से उबल चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू को छीलकर कट कर लिया है, साथ ही पत्तों को भी अच्छे से निचोड़ लिया है। दोनों चीज़ों को ठंडी कर लेने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। मूली के पत्तों को हम इसलिए उबाल के बनाते हैं ताकि इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाए, क्योंकि सबको ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अगर हम उबाल के बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सबसे पहले गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई को, डाला है सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने पे इसमें डालूंगी मैं दो सूखी लाल मिर्चें। लाल मिर्चें डालने के बाद अब इसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन और हींग। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही डाला है अदरक ग्रेट करके ताज़ा ताज़ा। अदरक का स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्जी में इसमें। तो सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को पक जाने पे अब डालेंगे इसमें आलू जो मैंने छील के कट किए हैं ना, उन आलूओं को अच्छे से इसमें डाल के करेंगे फ्राई। धीरे धीरे फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक ताकि हमारे आलू अच्छे से कुक हो जाएं और गोल्डन ब्राउन भी हो जाएं झटपट से। तो देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें पत्ते, क्योंकि आलू हमारे ना थोड़ा सा समय लेते हैं तो इसलिए इनको हम पहले ही फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पत्ते। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पत्तों को भी इस सब्जी में मिला लिया है। अच्छे से पत्तों को डालने के बाद एक से दो बार अभी इनको ऐसे ही चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद अब बारी आती है इसमें अपने सूखे मसाले डालने की। तो जी हाँ, अब मैंने इसमें डाला है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही डाला है मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चम्मच डाला है मैंने इस पे गरम मसाला, साथ ही डाला है स्वाद के अनुसार नमक। और ले रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखी हुई सौंफ का पाउडर, क्योंकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट आता है इस सब्जी में। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब सब्जी को उलट पलट करके मैं बहुत अच्छी तरह से कर लूँगी फ्राई, क्योंकि ये जितनी अच्छे तरीके से फ्राई होगी ना, इसका स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने सब्जी को ना बीच बीच में एक से दो बार चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से कुरकुरा अच्छा सा सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है। तो हमारी देखिए ये चटपटी सी बढ़िया सी मसालेदार सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है। सबसे आखिरी में गैस को बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है दो भर के नींबू का रस। तो नींबू का रस मैंने इस निकाल के पहले ही रख लिया है। नींबू के रस का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी मूली की भुजिया में। अब हम यहाँ पे इसको गार्निश कर लेंगे फ्रेश हरे धनिए के साथ, क्योंकि फ्रेशनेस के बिना तो इस सब्जी में कुछ भी नहीं है। सर्व कर लिया है इसको हमने प्लेट में और हमारी बढ़िया सी चटपटी कुरकुरी मसालेदार मूली की भुजिया बनके हो जाती है तैयार। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मूली की सब्जी कैसी लगी। सब्जी कहें या भुजिया कहें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।